हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लेकर के हाजिर है आपके सामने। तो इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने नाउन जेंडर के बारे में पढ़ा, फिर काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन, मतलब कि हम जो जेंडर बदलते हैं ना, वो कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। देखो, भले ही आपको कितना भी आता हो, एडवांस लेवल पे आप हो इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन देखो, यकीन मानो मेरा, आप जो है इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो आइए शुरू करते हैं। देर आर थ्री वे, ठीक है, तीन तरीके हैं जिसकी वजह से जो है हम फेमिनिन नाउन को जो है बना सकते हैं या बदल सकते हैं, कह सकते हैं। पहला जो है वो है बाय यूजिंग द एंटायर डिफरेंट वर्ड। पहला जो है वो हम क्या करने हैं कि पूरा एंटायर वर्ड, जो भी पूरा वर्ड है ना, उसको ही हम बदल देंगे, फेमिनिन में बना देंगे, ठीक है। जैसे अगर एक वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि ये मेल है, तो उसका पूरा ही जो है ना चेंज करके जो है हम फीमेल बना सकते हैं, बना देते हैं। एक तो ये प्रोसेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है सन, अब सन पता है मेल होता है, ठीक है। अब सन का जो फेमिनिन होता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका डॉटर, ठीक है। बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, ब्रदर का सिस्टर। ये आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हो। आगे का जो होगा ना, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। बैचलर्स, मेड, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हस्बैंड, वाइफ, अंकल, आंट, नेफ्यू, नाइस, किंग और क्वीन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद किंग का क्वीन, लेड, लेडी, हॉर्स, मेयर, डॉग, बिच, कॉक, हैन, बुल और काउ। ये सारे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो वर्ड था ना, उसको जब हमने फेमिनिन में चेंज किया तो पूरा का पूरा वर्ड ही बदल दिया। कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो सिमिलर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ किंग है, तो पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज करके हमने फेमिनिन में क्वीन लिख दिया, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, आइए देखते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है बाय एडिंग सिलेबल esin, ट्रिक्स, ए एसेट्रा। इन सभी को जो है जोड़ करके जो है हम जो है फेमिनिन जो है मैं बदल देते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। कौन कौन से है वो, esin, e और ट्रिक्स और a, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि है होस्ट, ठीक है, तो होस्ट का होस्टेस बन गया, ठीक है। प्रोफेट, प्रोफेट का प्रोफेटेस, ठीक है। हीरो का हीरोइन। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आ रही हैं, देखो यहाँ पे हम क्या होस्ट में जब फेमिनिन में बदल रहे हैं तो ईएस लगा रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमारा पहला होता क्लियर। प्रोफेट में भी हम ईएस लगा रहे हैं फेमिनिन में बदलने के लिए, ठीक है। हीरो है यहाँ पे हीरोइन, हीरोइन में हमने क्या लगाया, आई एन लगा दिया, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, टेस्टेटर, टेस्टेटिक, ट्रिक, ठीक है। सुल्तान, सुल्ताना, यहाँ पे ए लगा दिया हमने, यहाँ ए रखा था, ठीक है। उसके बाद लायन, लॉयनेस, ई एस लगा दिया हमने, ठीक है। शेफर्ड, शेफर्डेस, ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी ई एस लगा दिया, ठीक है। तो एक तो हो गया था कि हमने पूरा एंटायर ही वर्ड, पूरा ही वर्ड बदल दिया था, ठीक है। दूसरे वर्ड में क्या था, हमने ई एस, आई एन ई, ट्रिक्स और ए लगा दिया जब फेमिनिन में चेंज कर रहे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि जो कुछ मैस्कुलिन नाउन होते हैं ना, मैस्कुलिन नाउन कुछ होते हैं, उनमें जो है ई एस ऐड होता है आफ्टर जो वोवेल को जो है करके छोड़ देने के बाद, ठीक है। वोवेल को छोड़ देने के बाद जो है ई एस का यूज़ होता है, ठीक है। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ है एक्टर, ठीक है। अब एक्टर क्या है, फीमेल है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्ट्रेस लगा दिया, ई एस
जो है लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आर से पहले जो है एक वोवेल आ रहा है, ठीक है, तो इसको हमने ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद क्या किया हमने, ई एस लगा दिया। तो ऊपर जो था वो यही था कि कुछ मैस्कुलिन जो होते हैं ना, जो वर्ड होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, जब वोवेल होता है ना, जो लास्ट में वोवेल होता है सेकंड लास्ट में, उसको हम जो है हटा करके फिर वहाँ पे ई एस लगा देते हैं। ठीक है, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, ठीक है, हंटर हंट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस, वेटर वेटरेस। ठीक है, तो समझ में आ रहा ना आपको कि दूसरा पॉइंट क्या था। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ मैस्कुलिन जेंडर के जो वर्ड होते हैं, जब उनको हम फेमिनिन में बदलते हैं, तो हम करते क्या हैं, जब हम फेमिनिन में बदलते हैं तो जो सेकंड लास्ट का जो वोवेल होता है ना, वोवेल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसको हम हटा करके जो है वहाँ पर ई एस लगा देते हैं, ई डबल एस लगा देते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब एक और कंडीशन क्या है कि इंग्लिश हैज स्मॉल नंबर ऑफ फेमिनिन, ठीक है, जहां पर ई एस लगता हो। ठीक है, इंग्लिश में जो है ना स्मॉल नंबर ऑफ फेमिनिन फॉर्म है, फॉर्म जो फेमिनिन फॉर्म है ना वो बहुत कम है जहां पर ई एस लगता हो जिसके लास्ट में। ठीक है, जैसे कि ऑथरेस, पोएटेस, डायरेक्ट्रेस, इंस्पेक्टरेस आर नो लॉन्गर इन यूज। अब ये जो है ना, ये ज़्यादातर यूज में नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये फेमिनिन है, लेकिन ये आजकल ज़्यादा यूज में नहीं है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर है सी इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे शी है, अब शी आप सबको पता है कि जो है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सी जो है फेमिनिन है, लेकिन जो ये डायरेक्टर है जो कि नाउन है, यहाँ पर जो है मेल वाला यूज़ किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट्रेस नहीं बोला गया है। क्यों नहीं बोला गया है? क्योंकि अब ये डायरेक्ट्रेस वर्ड जो है वो अब यूज़ में नहीं है। और आपको ये बात भी और याद रखनी है कि फेमिनिन जितने भी कुछ फॉर्म हैं, कुछ ही फॉर्म हैं जिनके अंदर ई एस जो है वो लगता है। ठीक है, शी इज़ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब देखो शी यहाँ पर क्या है, लेडी की बात हो रही है, ठीक है, एक औरत की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर यूज़ किया गया है, ना कि इंस्पेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि अब ये यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख लोगे, अगर आपको नोट करना है कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेने आपको तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। दो तरीके के समझ में आ गए आपको कैसे कैसे फेमिनिन में चेंज करना है। पहला तो पूरा वर्ड ही बदल देना है, और दूसरे में क्या था कि ई एस लगा देना। ठीक है, ई एस या आई एन ई, या फिर ट्रिक्स लगा देना है, या फिर ए लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे वर्ड में हमें क्या करना है कि वो पहले या फिर बाद में जो है ना एक वर्ड लगा देना है। जब एक जो एक मेल होगा, या फिर जो एक बोल सकते हैं कि एक जो है मैस्कुलिन जेंडर का नेम होगा, उसको जब हम फेमिनिन में बदलेंगे तो उससे पहले या फिर बाद में क्या करेंगे, हम एक वर्ड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर। ठीक है, एग्जांपल में देख लो आप, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रैंडफादर। ठीक है, अब ये फादर है, इससे पहले ग्रैंड लग गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ मदर से पहले एक ग्रैंड वर्ड लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, और मैंने सारे एग्जांपल आपको, मतलब की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल आपको दो, ताकि आपको समझ में भी आए और आप याद भी कर लो। तो ये सभी एग्जांपल जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी। ठीक है, सेल्समैन, सेल्सवुमैन। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, वॉशरमैन, वॉशरवुमैन। ही गॉट, शी गॉट। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट। ठीक है, आगे और भी देखते हैं। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। पुलिसमैन, पुलिस वुमेन। स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन। स्टेटमैन, स्टेट वुमेन, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्या है।
अब यहाँ पे कुछ एक नोट है जो कि आपको याद करने के जो है लिए है, ठीक है, और ये याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। कुछ चार पॉइंट है, आइए मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में क्या करें कि समटाइम ही और शी जो होता है ना वो यूज होता है कि ये देखने के लिए कि कौन सा जेंडर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं देख लूँ आपको, जैसे यहाँ लिखा है माई कैट इज ए ही नॉट ए शी, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि कभी कभी जो है हम ही और शी का यूज जो है ना वो जेंडर को पता करने में या फिर जो है जानने में हम यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मैं अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि इज दिस पपी ए ही और अ शी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ही और शी को मैं क्या इंडिकेट करने के लिए पूछ रहा हूँ कि इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। एक पपी का जो है जेंडर मैं पूछ रहा हूँ कि ये ही है या फिर शी है, मतलब कि मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लेडी। एक लेडी वर्ड जो है ना जो वो आमतौर पर जो है ना यूज्ड एज ए टर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस एंड एज ए फॉर्म ऑफ कॉमन कर्टसी टू गिव ए टू ए गर्ल और ए वुमेन प्रेजेंट, ठीक है। एक लेडी वर्ड जो है ना वो एक मतलब कि एड्रेस करता है किसी भी कॉमन कर्टसी को, जैसे कि गर्ल है या वुमेन है। या फिर आप एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे, जो एक लेडी वर्ड है ना, जैसे ऐसे समझो कि जैसे मेल में हम बोलते हैं ना जेंटलमैन, ठीक है, जेंटलमैन बोलते हैं, ठीक है, सज्जन आदमी को किसी मतलब जो मतलब कि बहुत बड़े पोस्ट पर होता है या फिर एक रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, जेंटलमैन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही जब एक लेडी होती है ना, एक जब एक गर्ल होती है या एक वुमन होती है, उसको हम रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड लेडी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेडी का मतलब ऐसे औरत नहीं है, ठीक है, जैसे जेंटलमैन हम यूज़ करते हैं ना वर्ड मेल के लिए, ठीक है, मर्दों के लिए या फिर जो भी आप कह लो मैस्कुलिन जेंडर के लिए जब हम जेंटलमैन का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही गर्ल्स के लिए या फिर वुमेन्स के लिए हम जो है लेडी वर्ड का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको लेडी वर्ड वाला, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये लेडी वाला पता था कि नहीं पता था, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेल या फिर फीमेल इज यूजली यूज फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल टू इंडिकेट देयर जेंडर एंड फिजिकल क्वालिटी, ठीक है। अब जो ये मेल और फीमेल जो है ना, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल वाला जो वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो ह्यूमन बींग्स है या फिर जो एनिमल है उसका जो है जेंडर क्या है, वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो दैट्स वाई, जैसे मैं मान लूँ ए मेल चाइल्ड या ए फीमेल चाइल्ड, दोनों में से कोई भी एक बोल सकता ना, हमें बस पता करना है कि इनमें से जो है ये जो जो नाउन वर्ड है ना वो फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट जो है वो ये है, ए मेल फीमेल इज़ नॉट यूज टू इंडिकेट वंस प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशंस, ठीक है, मैन और वुमेन इज यूज टू इंस्टेड, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशन की बात करें या फिर ऑक्यूपेशन की बात करें, तो हम वहाँ पर मेल या फिर फीमेल नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो कि एक डॉक्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे फीमेल डॉक्टर, ठीक है। अगर एक डॉक्टर है जो कि फीमेल है, तो हम उसको फीमेल डॉक्टर नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ए वुमेन डॉक्टर, ठीक है, ना कि ए फीमेल डॉक्टर, हम ये इसको जो है नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताना है, आपको नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, जिसमें कि कुछ क्या होता है ना कि कॉमन जेंडर होते हैं, ठीक है, ड्यूअल जेंडर भी आप बोल सकते हो, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब कि नाम सुनते ये नहीं पता चलता कि हाँ वो मतलब कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको ही हम कॉमन या फिर बोल सकते हैं ड्यूअल जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, ठीक है, कॉमन और ड्यूअल जेंडर यूजेस, ठीक है। ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन या जो भी प्रोफेशन वगैरह होते हैं ना, वो कॉमन जेंडर के ही होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारे देने वाला हूँ, ठीक है, अब बहुत सारे देने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया बस बात खत्म, नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पेन खोल के बैठो लिखते रहो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये नहीं कि लिख के कॉपी में रख दिया और साइड में कॉपी पड़ी हुई है, आपको याद करनी है। अगर इंग्लिश ठीक करनी है आपको,
तो आपको नाउन वर्ब ये सारी चीजें जो एडवर्ब एडजेक्टिव ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये मतलब कि बेसिक लेवल पे एक तरह से बोल सकते हो कि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर, जो आपने स्कूल में तो 8 तक तो पढ़ाई होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके 8 तक पढ़े होंगे, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा, ये इसलिए मैंने आप यहाँ पर जो है पूरा ला करके रख दिया है, ठीक है। आप इसको देखो, पढ़ो, समझो और याद करो, ठीक है। जैसे अब क्या क्या वो ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन है जिस जो कि कॉमन जेंडर होते हैं, पहला है वो है एम्बेसडर, ठीक है। एम्बेसडर एक जो वर्ड है, अब इसमें क्या पता चल रहा है, एम्बेसडर वर्सेस क्या पता चल रहा है कि कोई एम्बेसडर फीमेल है या फिर मेल है, नहीं पता चल रहा ना, तो ये क्या फीमेल भी हो सकती है या फिर और मेल भी हो सकती है। अगर फीमेल है तो भी एम्बेसडर बोलेंगे, और मेल है तो भी एम्बेसडर बोलेंगे, ठीक है। आर्टिशियन, आर्टिस्ट, ऑथर, बेबी, कैप्टन, चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, अगर हम कैप्टन की बात करते हैं तो हमारे मन में ये थोड़ी ना आता कि विराट कोहली या फिर इंडियन वुमेन जो टीम की जो कैप्टन है उनका नाम थोड़ी ना याद आता है। हमारे मन में क्या है, कैप्टन वर्ड आया है तो मतलब कि कोई भी कैप्टन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम बोले अगर इंडियन टीम का कैप्टन, तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि अच्छा विराट कोहली की बात हो रही है, ठीक है। फॉरेनर, फ्रेंड, ठीक है। अब हम फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो हमें पता थोड़ी ना चल रहा है कि हाँ ये फ्रेंड जो है वो लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। हाँ गर्लफ्रेंड बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लड़की की बात हो रही है, और लड़की की बात जिसकी हो रही है वो बहुत ही क्लोज है, ठीक है। इन्फेंट, ठीक है। जज, लॉयर, लेक्चरर, लाइब्रेरियन, ठीक है। मॉनिटर, म्यूजिशियन, मैजिस्ट्रेट, मिनिस्टर, म्यूजिशियन, ठीक है। नेवर और नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट, हाँ ठीक है। आगे और भी देखते हैं, और भी है बहुत सारे, ठीक है। जैसे एडिटर हो गया, मैजिशियन हो गया, ऑर्फन हो गया, ठीक, और भी है। एडिटर, एनिमी, इंजीनियर, फूल, पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, पुपिल्स रीडर, साइंटिस्ट, मैजिशियन, मैजिस्ट्रेट, मिनिस्टर, मोनार्क, सर्वेंट, सिंगर, स्पीकर, स्टूडेंट, टीचर, टाइपिस्ट, वर्कर, राइटर, प्लेयर, पोएट, पर्सन। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कमेंट करके बताने के लिए कि पोइट का जेंडर बताओ, ठीक है। तो किसी ने तो अभी तक बताया नहीं, पर यहाँ पे सुन लो आंसर इसका यही है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक बार जो है इसको पढ़ने के बाद, जैसे इंजीनियर वर्ड को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि एक मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, नहीं पता चल रहा ना, तो ये कॉमन या फिर हम बोल देंगे डुअल जेंडर यूज वाले वर्ड हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। कई बार ये वर्ड होंगे ना, तो फिर ही शी, आपको एग्जांपल देखो कैसे आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल दूँ कि एक डैश दे दूँ, फिल इन द ब्लैंक में आएगा। जैसे यहाँ पे अब पॉलिटिशियन है, तो वहाँ पे आपको अगर आप जेंडर लिखना होगा, ठीक है, या फिर ही और शी का यूज़ करना होगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी ना, इसलिए आपको यह याद रख लेना चाहिए, ठीक है, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। अब लास्ट में एक नोट है जो कि समझना इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये याद नहीं होंगे तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो कज़िन एक टर्म है ना, ठीक है, ये कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। जब हम एक्सप्रेशन लाइक कज़िन ब्रदर सुनते हैं या फिर कज़न सिस्टर सुनते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये एक फीमेल की बात हो रही है, और जो है गलत एक तरह से समझ सकते हैं कि यूज़ करते हैं, क्योंकि एक इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश वर्ड में जो कज़िन का मतलब होता है ना, वो या तो मेल ही हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक नया वर्ड जानने को मिला होगा कि कज़न जो है एक वर्ड है ना इंग्लिश में, या तो वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, ठीक है। और बस यही है। और एक मैं आपको बता दूं कि कुछ जो नाउन होते हैं ना, जैसे कि जो डिग्रीज होती हैं, जो टाइटल होती हैं, ठीक है, या फिर आप बोलो जो क्वालिफिकेशन होती हैं, ठीक है, ये जो हमेशा जो है ना कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे BA हो गया आपका, BSc हो गया, MA हो गया, ठीक है, आपका LLB हो गया, MD हो गया, PhD हो गया, ठीक है,
ये एम कॉम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब जो है ना वो कॉमन जेंडर है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे मैं बोल दूँ कि अगर वो फिल इन द ब्लैंक आ जाए, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे डैश दे दिया इज एन एम ए, एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है ही और शी, दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे एम ए जो जो एक टाइटल, एक डिग्री है, ठीक है, एक क्वालिफिकेशन है। तो ये हम क्या, यहाँ पे हमको पता था कि ये जो है कॉमन जेंडर होते हैं, ठीक है, ड्यूअल यूज़ ऑफ जेंडर होते हैं, तो यहाँ पे हम ही और शी दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं, या फिर जो आपके कास्ट या फिर कम्युनिटी या रिलीजन जो भी है ना, नेशनलिटी, ये भी जो है कॉमन जेंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नाउन का जो नंबर, नाउन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी नाउन एक है तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसको प्लूरल बोलेंगे, ठीक है। अब इसको भी जो है बनाने के तरीके होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या तरीके होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नोट्स बनाओ, बिना नोट्स के गुजारा नहीं है, और याद करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। ऐसा नहीं कि नोट्स बना लिया और कॉपी कोने में रख के बैठ गए, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।